सबसे पहले हम आपको आज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एक स्टॉल पर लेके चलते हैं, जहाँ पे आप प्रसीजन एग्रीकल्चर की केस लैब को विजिट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले अनआर्म एयर व्हीकल सर्वे ड्रोन आपको दिखाते हैं, जो आपके सामने आपको कुछ इस तरह शेप में नज़र आता है। और इसके साथ हम जो स्टॉल के ऊपर जो है अरशाद खान खटक साहब है, उनसे मुलाकात करवाते हैं, जो कि इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें डिस्क्राइब करेंगे और हमें बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ किस पर्पज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो ये इनके पास मुख्तलिफ तर्ज के और स्पेशली जो हमारे एयर के हवाले से जी है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, आज आप हम आपके पास आए हैं, तो काइंडली ज़रा हमें अपने स्टॉल के बारे में ज़रा बताएं कि कौन कौन सी चीज़ किस पर्पज़ के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। जी सबसे पहले आपको ये दिखाऊंगा कि ये हमारे पास है वेजी बोट, इसको बोलते हैं वेजिटेबल रोबोट। ये हमारे पास ऐसा रोबोट है कि आप किचन गार्डनिंग के लिए अगर आपको कोई मशीन चाहिए तो आप घर में वेजिटेबल अगर आप उगाना चाहते हैं तो इसमें आपने जस्ट इसकी ट्रे में आपने बीज रखने हैं किसी भी सब्जी के वेजिटेबल के, तो ये खुद ही सोइंग करेगा, खुद ही इसमें अगर उसकी पानी की ज़रूरत है वो पानी देगा, और अगर इस पर कोई इंसेक्ट का अटैक होता है तो ये स्प्रे भी खुद करेगा, और इसी तरह अगर उस फसल में अगर कोई जड़ी बूटी आ गई है, वीड आ गई है, तो उसको खुद भी उसको खुद डी रूट कर देगा। ये सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इसमें हुआ है। क्या सर ये हम इसको कहीं पे घर पे कहीं पे इस्तेमाल कर सकते हैं लो लेवल पे? जी, इसका जी बिल्कुल, ये काफ़ी सस्ता है, तकरीबन 1.25 लाख से लेके 1.25-2 लाख तक इसकी कॉस्ट आती है। अभी ये ट्रायल पे है, अभी जब ये चला कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप इसको ना बनवा भी सकेंगे। जी यानी कमर्शियली बाद में ये बाद में होगा, ये अभी इसको ट्रायल पे हम कर रहे हैं, जब ये कामयाब हो जाएगा तो फिर इसकी कॉस्ट और ज़्यादा कम हो जाएगी। जी बिल्कुल ठीक। फिर इसके बाद ये हमारे पास है, ये वेदर स्टेशन है, ये इसमें 5 फंक्शंस कंबाइन है, ये यूसी डेवस वालों को बना हुआ है। इसमें ये हमें बताता है, ये आउटडोर यूनिट है, ये हमें बताता है कि हवा की जो डायरेक्शन है वो किस किधर है, ये हमें बताता है कि हवा की स्पीड कितनी है, विंड स्पीड। ये वाला जो बॉल सा नज़र आ रहा है ये हमें बताता है कि रेनफॉल कितनी है। ये वाला जो इसका यूनिट बताता है हमें कि टेम्परेचर कितना है इस वक्त। और ये वाला जो यूनिट है इसका ये हमें बताता है सोलर रेडिएशन। इनसे फिर हम बहुत सारी और इसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की ना तस्वीरें लेते हैं। जो तस्वीरें लेते हैं उसके लिए जो हम आमतौर पर जो कैमरे यूज़ करते हैं, आमतौर पर जो घरों में या फंक्शन में यूज़ करते हैं, उन तस्वीरों को हम बोलते हैं RGB इमेजेस या RGB कैमरे। ये हमारे पास स्पेशल कैमरे हैं इस ड्रोन के लिए। ये हमारे पास है जी मल्टीस्पेक्ट्रम, ये देखें जी। और ये वाला कैमरा जो है इसको हम बोलते हैं थर्मल कैमरा। ये ओवरऑल जो हमारे पास ये ड्रोन का सिस्टम है कैमरों समेत, ये तकरीबन 56 लाख का ये हमने लिया था 2016 में। अभी हमने एक नया ऑर्डर किया है 72 लाख का, वो NOC जो ही हमें मिलेगा तो वो भी इंशाल्लाह हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, अब इन कैमरों के जरिए एट ए टाइम एक हमने लगाना होता है। इन कैमरों के जरिए जब हमने फील्ड में से डाटा कलेक्ट कर लेना होता है तो ये लगातार पिक्चर्स वहाँ से लेता है। जब हमारे पास पिक्चर्स आ जाती हैं तो फिर उन पिक्चर्स को हम कंप्यूटर में डालते हैं, फिर हमारे पास मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स हमने बनाए हुए हैं किसी भी लैंग्वेजेस में, उन लैंग्वेजेस के जरिए इन पिक्चर्स में से हम आपको मुख्तलिफ चीज़ें जो तस्वीरें से ली हैं उसको बता सकते हैं। मसलन नंबर एक, ये फसल कौन सी वाली है या जीनोटाइप कौन सी है। फिर दूसरा ये कि उसकी जीनोटाइप या वो किस स्टेज पे वो फसल पहुँच चुकी है। फिर इससे अगला जो चीज़ है वो बता सकते हैं कि ये आया फसल जो है ये पककर कितनी तैयार होकर कितनी बनेगी, यानी इसकी यील्ड कितनी होगी। उसके बाद जो ये हमें चीज़ बताता है, ये बताता है कि इसमें वाटर स्ट्रेस जो है इस वक्त कितनी है। अगर पानी की ज़रूरत है तो वो हमें पिक्चर में से पता चल जाता है कि इसको पानी की ज़रूरत है या नहीं। फिर इसे जो अगले वो मालूमात देता है वो ये है कि आया इस फील्ड में जिस फील्ड से मैंने पिक्चर्स लिए हैं इसमें खाद की ज़रूरत कहाँ कहाँ पर है। वैसे तो हम पूरे फील्ड में खाद देते हैं, वो खाद तभी से है और ज़मीन भी ख़राब होती है, लेकिन ये हमें बता देता है कि किस किस जगह पे कौन सी वाली खाद की ज़रूरत है। इसमें कैमरे का किस जगह पे लगाए जाते हैं? कैमरे जो है हमारे इसके टॉप पे हम लगाते हैं, ये वाला इसकी स्लॉट है कैमरों की,
ये वाले कैमरे इसकी इस तरह फिट हो जाते हैं यहाँ पे, ये डाउनवर्ड इधर से नीचे इसने देख रहा होता है कैमरे में, और इस तरह हम इसको लगा लेते हैं। ये इसकी केबलिंग हुई है, ये डाटा वगैरह सारा इसके साथ ना केबलिंग कर लेते हैं और ये ले लेता है। इसके अंदर अपने एसडी कार्ड होते हैं, अपनी मेमोरी होती है, इसी तरह इसकी भी अपनी मेमोरी है। तो सर इसमें एक वक्त में एक ही कैमरा लग सकता है ना? एट ए टाइम एक ही कैमरा लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप स्टडी कौन सी करने जा रहे हैं। जी जी। अगर आपने थर्मल भी लगाना है, थर्मल डाटा कलेक्ट करना है, तो उसके लिए भी हमारा थर्मल कैमरा है। अच्छा, अगर सपोज आपने उसकी वेजिटेशन या एनडीपीआई वगैरह निकाली है, तो उसके